यशराज, खून मौत भी हो सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है, दुनिया का हर खूनी फांसी पे चढ़ जाता है? I'm paying 1 lakh rupees an hour. एक घंटे के 1 lakh rupees दे रहा हूं। चोपड़ा साहब, इतना पैसा लेकर ऊपर जाएंगे ना तो एंट्री नहीं मिलेगी। मेरी समझ में ये नहीं आता सिन्हा साहब के अगर सारे सबूत हमारे बेटे के खिलाफ हैं, तो वो बचेगा कैसे? हम भी सबूत पैदा करेंगे, गवाह लाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक ऐसी कहानी गढ़ूंगा जिसमें राहुल बेकसूर होगा। बस कैसी? इसी कहानी की तो हम खाते हैं हुजूर। खैर आप ये बताइए, आपके पास कोई गन वगैरह है? जा है तो फौरन उसे किसी लॉकर में रखवा दीजिए, क्योंकि इस वक्त इस केस का सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि मर्डर वेपन अभी तक नहीं मिला है, और यही पॉइंट राहुल को बचा सकता है। जी सिन्हा अंकल, मेरा राहुल बच तो जाएगा ना? 100% मैं हारने के लिए केस नहीं लड़ता। सिन्हा साहब, वो गन वहां पर नहीं है। राहुल को पता था कि आप गन वहीं रखते हैं? जी हाँ। आप फौरन पुलिस में कंप्लेंट कराइए और प्रार्थना करिए कि ये मर्डर उस गन से ना हुआ हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आई एम सॉरी चोपड़ा साहब, फिर राहुल को कोई नहीं बचा सकता। सिन्हा साहब, आप तो पहले से ही तशरीफ ला चुके हैं। जहां जहां पांव पड़े संतन के, वहां वहां बनता था। आओ बोरे आओ। अरे भाई, असली संत तो तुम हो, अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी में गुजार दी। एनीवे, ये अपने घर का केस है। मुझे मालूम था आप यहां होंगे और यही कहेंगे। बड़े लोग, बड़ा केस, बड़े वकील। अच्छा है, अदालत से बाहर वकीलों से मिलने में कोई परेशानी नहीं। परेशानी है अदालत के अंदर, चंद पैसों के लिए उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। हम तो सिर्फ अदालत में ये सब करते हैं पूरी, लेकिन तुम लोगों की तो नाक के नीचे सब जुर्म होते हैं। कुछ करो, डू समथिंग। जुर्म बहुत बढ़ रहे हैं आजकल। आपको पहले से ही पता चला मैं यहां क्यों आया हूं। पांडे, अरेस्ट वारंट फॉर राहुल मेहरा। अमन खन्ना के कत्ल के लिए। कल रात 3 से शहर के मशहूर अस्पताल संजीवनी के डॉक्टर राहुल मेहरा को डॉक्टर अमन खन्ना के खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि इस अपराध का मुख्य कारण संजीवनी की डॉक्टर जूही है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि डॉक्टर राहुल मेहरा और डॉक्टर जूही के बीच अवैध संबंध थे। हमारे संवाददाता ने डॉक्टर जूही से मिलने की कोशिश की तो उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। हकीकत क्या है इसका पता तो अदालत में ही चलेगा। गौर करने वाली बात तो यह है कि सरकार की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं मशहूर सरकारी वकील सुरेंद्र सक्सेना। इनका रिकॉर्ड देखते हुए कहा जाता है
कि फांसी का फंदा अब डॉक्टर राहुल मेहरा से दूर है। आइए चोपड़ा साहब, आप सक्सेना को जानते हैं? ज्यादा तौर पर तो नहीं जानता, लेकिन नाम सुना है। लेकिन तुम्हें ऐसे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इनसे पूछिए, इनसे पूछिए। देखो भाई, इनको प्लीज 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 प्लीज। देखिए, इस केस में मेरे साथ दो हैंडीकैप है। एक आपका दामाद राहुल, जिसे कुछ याद नहीं आ रहा। एक वो रीना, जो सरकार के पास आई विटनेस है। और अब इस सुरेंद्र सक्सेना ने ये केस अपने हाथ में लेकर एक नई मुसीबत पैदा कर दी। ना, मेरे ख्याल में तुम खामखा सक्सेना को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो। यू आर द बेस्ट इन योर फील्ड। चवड़ा साहब, 24 24 खून के केस लड़ चुका है ये सक्सेना, और सब के सब को फांसी हुई। हमारे फील्ड में इसे जल्लाद कहते हैं। सक्सेना केस तभी लेता है जब उसे सेना। ये केस तभी हाथ में लेता है जब इसे विश्वास होता है कि ये जीतेगा। क्यों रे सर, आज आप एक नया केस लड़ रहे हैं, वो भी खून का मामला है, उस बारे में आपकी क्या राय है? कुछ नहीं, इस साल 25 पूरे करके सिल्वर जुबली मनाऊंगा। इस बार तो गवर्नर का इलेक्शन लड़ रहा है, रिकॉर्ड कभी खराब नहीं होने देगा। ह्यूमन राइट कमीशन वाले आपसे काफी नाराज है, वो आपको मर्डरर कहते हैं, इस बारे में आपकी क्या कहना है? मेरे दोस्त मुझे जल्लाद कह के पुकार। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसने ये केस मांग कर लिया है। क्या मिलता है फांसी दिलाकर? क्या उम्र कैद काफी नहीं? देखो, शरीर का हिस्सा सड़ जाए तो उसे काट कर फेंक देते हैं, साथ में रखेंगे तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। मुजरिम समाज का सड़ा हुआ हिस्सा है, खूनी है, मैं उसे फांसी, उसे इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। चलिए मैडम, आइए, सब ठीक हो जाए। आइए राहुल, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना। हाँ, पापा ने सबसे अच्छा वकील किया, वो तुम्हें बचा लेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।